करना, लाइक करना, फॉलो करना, इंस्टाग्राम और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसे बोलो यार किसी ने सब्सक्राइब दिवाली के समय उसमें सब्सक्राइब कर दूंगी तुम्हारे घर। सरप्राइज करना, सरप्राइज करना, सब्सक्राइब सरप्राइज 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 ठीक है सरप्राइज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाय 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 बाय। हां हां यूट्यूब पे डालो। हेलो दोस्तों, तो आज आपको लेकर चलते हैं देहरादून की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी मार्केट पल्टन बाज़ार में। यहाँ पर सस्ते से लेकर महंगा हर तरह का सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ पे खाने पीने से लेकर के ब्रांडेड और अनब्रांडेड सब तरह के कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप भी देहरादून में घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर भी आप शॉपिंग करने आ सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इस जगह की क्या खासियत है और क्यों ये मार्केट प्रसिद्ध है। तो जो ये मार्केट है ये बिल्कुल घंटाघर, देहरादून के घंटाघर के पास में ही है। बिल्कुल घंटाघर से ही ये मार्केट शुरू हो जाती है। और जब आप मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले मिलती है यहाँ पे आइसक्रीम। यहाँ की जो आइसक्रीम है पूरे साल भर बिकती है, चाहे सर्दियों का मौसम आए चाहे गर्मियों का। यहाँ पे आइसक्रीम साल भर ही बिकती रहती है और काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पे कई सारी आइसक्रीम की शॉप्स हैं। जैसे आप घंटाघर से पल्टन मार्केट के लिए निकलना शुरू करेंगे तो देखेंगे। और ये आइसक्रीम की दुकान बहुत पुरानी है, आज से नहीं कई सालों से ये आइसक्रीम की दुकान यहाँ पे चली आ रही है। देखिए यहाँ पे कई वैरायटी की आपको आइसक्रीम मिल जाएंगी। तो अगर आप देहरादून में आ रहे हैं पल्टन बाज़ार में तो एक बार आप यहाँ की आइसक्रीम का भी टेस्ट ले सकते हैं। रेट भी काफ़ी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा रेट नहीं है। यहाँ पे आप आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आप मार्केट के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर कई सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगी छोटी छोटी, जहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते रेट के कपड़े भी मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ ब्रांडेड कपड़े चाहिए आपको तो ब्रांडेड शोरूम भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, इसी रोड पे सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा ज्वेलरी, खाने पीने का सामान, वो सब भी आपको यहीं रास्ते में दिख जाएगा। तो ये देखिए ये जाती है रोड। इसके अलावा मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ एक ख़ास दुकान में, जो कि यहाँ की संडे बाज़ार के नाम से फेमस है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर और सस्ता सामान ये लोग बेचते हैं। काफ़ी सस्ता आपको रेट में यहाँ पे सामान मिल जाएगा। तो अगर आप सर्दियों की शॉपिंग करना चाहते हैं इस टाइम पे तो सर्दियों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैकेट्स वगैरह भी यहाँ पे सही रेट में मिल जाती हैं। ये मार्केट और टाइम तो बहुत ज़्यादा भरी रहती है, लेकिन आजकल कुछ दिनों से थोड़ा सा सख्ताई की वजह से भीड़ कम है। नहीं तो अगर किसी और टाइम पर, जब कोरोना से पहले की अगर आप आते यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। इस टाइम पर थोड़ा भीड़ कम है और रात के समय हम लोग आए थे। तो ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कई दुकानें हैं। एक पैदल मार्केट है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं चलती हैं। लोगों की खरीदारी के लिए ही ये मार्केट बनाई गई है और काफ़ी पुरानी मार्केट है ये। जो भी देहरादून में रहता है उसको इस मार्केट के बारे में तो ज़रूर पता होगा। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। छोटे क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये जो तू बेच रहा है? क्यों छोटी वीडियो नहीं बनानी? उधर जाओ, घर में ये मांग टिका है। उधर जाओ, वीडियो से नहीं आना। वीडियो नहीं आना, वीडियो में नहीं जाओ। घर में बता के नहीं आ रहे हो क्या? बता के नहीं आ रही? हाँ बता के आ रहे हैं। हाँ अरे ये नहीं आ रही, बहनी है तो क्यों आनी आ रही? ये देखो भैया, ये देखो हमारे, देखो ये कान का है। अच्छा, और ये भी कान का है। कितने रुपए का है ये मांग टिका है? कितने रुपए का है? अलग अलग रेंज है भैया। कितने का बताते हो? शुरुआत कितने से? शुरुआत 80 से और लास्ट 400 तक। 400 तक है? हां 400 वाला ये वाली पीस है, देखो भैया 400 तक। ये 400 का है? हां। पढ़ाई लिखाई नहीं करता? हां करता हूं भैया, सुबह पढ़ने जाता हूं, शाम को ये बेचता हूं। कौन से स्कूल में पढ़ता है? ओम विद्या मंदिर वाले। अच्छा, क्या नाम है? सौरभ। अच्छा सौरभ, तो सौरभ ये क्यों करता है फिर दुकान? भैया हमारे ना का मतलब राजस्थान के हम लोग, इसलिए। यहाँ के नहीं हो रहने वाले? राजस्थान के हो? राजस्थान के हैं मतलब। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा दिवाली का सामान बेच रहे हैं। अच्छा, लड़ी बेच रहे हैं। तो तुम लोग पढ़ाई क्यों पढ़ाई कर लेते घर में? करते हैं भैया। पढ़ते हो ना? हाँ। तो अभी तो तुम यहाँ दुकान कर रहे हो, फिर कब पढ़ते हो? और ये भी तुम्हारे दोस्त, इनको भी बुला के लाओ, इनको भी बुला के लाओ। तुम सब भाई बहन हो? अच्छा, ये तुम्हारा भाई है? तो कितनी मतलब इनकम तो कर दो इसमें। 1100-1200 एक आदमी। अभी प्रॉफिट कितने रुपए का होता है कमाई? कमाई मतलब ये बच्चे मतलब इसमें बहुत चौड़ा आता है, थोड़ा सा दूर से 1200 का करते हैं ना, इसमें 600-700 का बचता है। अच्छा, मतलब अच्छी अर्निंग कर लेता है। चल ठीक है छोटे, फिर पढ़ाई भी करना घर पे, ठीक है? लेके जाओ। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसे बोलो, अगर किसी ने दिवाली के उसमें सब्सक्राइब कर दूंगी तुम्हारे घर। सरप्राइज करना। हैप्पी दिवाली गाइस। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या कॉस्ट है इसकी? 200। सबकी की सबका एक रेट है जी, सबका एक रेट है। दिखाई दो नहीं रहा। आ जाओ, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो करो। सबसे सस्ती मार्केट देहरादून पलटन बाजार के अंदर। ये हमारे सिकंदर भैया जी है, फ्रंट टेन का। हाँ जी, ये हमारे संजय भैया जो देखते हैं फ्रंट पे, सब ये संभालते हैं। सबसे बढ़िया थे 200 रुपीज़, 150, 100 रुपीज़, 150, 100 रुपीज़ सबसे सस्ती। जो सा मर्जी चॉइस करो, सब बढ़िया पैर। आवाज़ लगाओ बढ़िया जी दीदी वाली। आ जाओ। ये कॉस्मेटिक शॉप, हर प्रकार की लेडीज आइटम यहाँ मिलती है आपको। ये सब आपके भैया? हाँ, सब बड़े भैया बैठे हमारे। अच्छा, वही आपने तो पीछे गोदाम खोल रखा। ये पूरा आपका ही है? सबसे सस्ती मार्केट। किस नाम से? किस नाम से? ये वैसे गुप्ता जी संडे मार्केट बोलते हैं। संडे क्या? गुप्ता जी संडे मार्केट? नहीं, संडे मार्केट बोलते हैं। अच्छा, ये पूरे ये आपका हर प्रकार की जीन्स, टॉप, खोजरी, जो गर्म चीज़ सब मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें यहाँ वैसे टोटली क्या चीज़ मिलती है? वैसे टोटली यहाँ पर एक्चुअली जैसे आपने अभी सर्दियाँ चल रही हैं, अभी आपको पजामे गर्म मिल जाएंगे, गर्म कोट मिल जाएंगे लेडीज़ जेंट्स के, टॉप मिल जाएंगे लेडीज़ जेंट्स के। जो मार्केट में महंगा हो यहाँ पर 200-150 मिल जाएगा आपको। अच्छा, नॉर्मली जैसे ये 200 वाले हैं। ये पैटर्न देखिए आप, मार्केट में किसका प्राइस कितना होगा आप खुद चॉइस करिए। अच्छा, यहाँ ओनली 200 आप घूमिए, आराम से एंजॉय कीजिए। ये सारा आपका ही है पूरा? हाँ, सब ब्रदर हमारे भैया बैठे। ठीक है भैया, थैंक यू। ये देखिए भैया हमको ले आए हैं संडे मार्केट में। यहाँ की संडे मार्केट के नाम से फेमस है पलटन बाज़ार में। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको ये दुकान दिख जाएगी, किससे भी आप पता कर लीजिए। तो यहाँ पे भी कपड़े के जो रेट थे वो काफ़ी जेन्युइन थे, सस्ते रेट हैं यहाँ पे। तो एक ऑप्शन आपके लिए ये भी है, अगर आप सस्ते में कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर भी ख़रीदारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सब तरीके का सामान मिल जाएगा, जीन्स, जैकेट, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो वो सब आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। 650 और बाकी आप लोग जो भी देहरादून से हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि देहरादून से कौन कौन लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, ये अलग अलग लोगों की दुकानें हैं। यहाँ पे शायद इनका कुछ चार्जेस लिया जाता है, उसके बाद ये लोग यहाँ पर दुकानें लगाने आते हैं। ये देखिए, ये छोटा बच्चा भी है यहाँ पर, शायद कुछ शॉपिंग करने आया हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर घंटाघर की कुछ फेमस दुकानों पर, जो कि खाने पीने के लिए फ़ेमस हैं। यहाँ पे जैसी घंटाघर से आप थोड़ा सा अंदर को जाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है, ये देखिए। और इसी के पीछे वाली गली में आपको चाट, टिक्की, गोलगप्पे, इन सब की दुकानें मिल जाएंगी। और यहाँ की चाट, टिक्की और गोलगप्पे काफ़ी फ़ेमस हैं, यानी देहरादून के सबसे फेमस गोलगप्पे, चाट और टिक्की यहीं पर आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, बहुत सालों से ये लोग दुकानें लगाते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप किसी में भी खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट ये लोग बनाते हैं। ये देखिए, और जो देहरादून के लोकल लोग हैं जिनको इन दुकानों के बारे में पता है, वो चाट, टिक्की और गोलगप्पे खाने के लिए इधर की साइड ही आते हैं। तो अगर आप भी बाहर से कहीं से आ रहे हैं और देहरादून में कुछ ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिए। रेट भी सही मिलेगा और यहाँ पे टेस्टी खाना भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यह है देहरादून का सबसे फेमस बाज़ार जिसे पलटन बाज़ार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे आप किसी ब्रांड के कपड़े लेना चाहते हैं, चाहे ऐसे ही अनब्रांड कपड़े लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए खादी आश्रम भी है, खादी के कपड़े लेना चाहते हैं वो भी मिल सकता है आपको। A to Z आपको सामान आपका यहाँ पे मिल जाएगा, इसीलिए पूरा देहरादून लगभग यहाँ पे शॉपिंग करने आता है। यहाँ शादी ब्याह से लेकर के बेकरी के सामान, हर तरह के सामान यहाँ पे मिलते हैं। क्या चीज़ की दुकान है हाँ अंकल जी की स्माइल काफ़ी है, हमारा फेस है उसके बाल। अच्छा नहीं भाई साहब स्माइल होना चाहिए, सही बात है। ये गोलू भाई साहब की भी लोग किस चीज़ की दुकान है, किस चीज़ की? ये गारमेंट्स स्मॉल मिनी शोरूम। अच्छा ये दिस इज मिनी शोरूम, मिनी शोरूम सैंपल यहाँ मिलते हैं, बाकी सेल अंदर। अच्छा ये सही है, ठीक है अंकल जी थैंक यू। अलग अलग रेंज में कवरेज चल रही है। जैकेट ये 750 की है, बहुत बढ़िया जैकेट है, बेहतरीन है। और टी शर्ट लोअर भी है आप लोगों पे, लोअर वगैरह? अच्छा ये लोअर है, लोअर बढ़िया। लोअर का प्राइस 250, 350, अलग अलग रेंज के जैसा चीज़ है वैसे। अच्छा। तो दोस्तों यह है देहरादून की सबसे फेमस मार्केट पलटन मार्केट। और जो लोग देहरादून से हैं उसको इस मार्केट के बारे में तो पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पर आकर शॉपिंग ज़रूर कीजिए, आपको ये जगह पसंद आएगी। और हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।